दरमियान से निकलेगा। एक औरत को बच्चा पैदा हुआ
5 दिसंबर को फर्स्ट किया हमने, 25 दिसंबर को जो बच्चे के बाद आर्जा लहर हुआ वो खत्म हो गया, आर्जा लहर हुआ वो गोया के विलादत के 20 दिन के बाद कुरान सुन्नत की रोशनी में उस औरत ने गुस्ल करके नमाज पढ़ना रोजा रखना फर्ज हो जाता है। नमाज पढ़ना रोजा रखना क्या हो जाता है? ये मैंने क्यों कहा कि ये मसला जरूरी है, आप समझ गए होंगे कि हमारे यहां कुरान सुन्नत से दूरी की वजह से, शरीयत के जरूरी मसाइल से दूरी की बिना पर हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में ये रिवाज आम हो गया है कि विलादत के 40 दिन बाद ही गुस्ल हो सकता है, उससे पहले गुस्ल को ये अक्सर लोग औरत के हक में जायज समझते हैं, हालांकि शरीयत क्या है 40 दिन आखिरी हद है, 40 दिन आखिरी हद, जिससे महाना जो औरत को आर्जा लायक होता है, मैं बार बार वो जुमले नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको समझ में आ रही है मकसूद है समझाना, महाना जो औरत को आर्जा लहर होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत आप और इस्लाम की शरीयत में कितने दिन है? 10 दिन। तो बताया जाए जिस औरत की आदत हो 5 दिन की, क्या वो 10 दिन तक गुस्ल नहीं करती? करती है, जैसे ही आदत के दिन पूरे हुए और वो आर्जा खत्म हुआ तो माए क्या कर लेती हैं, बहनें क्या कर लेती हैं, गुस्ल करके नमाज रोजा शुरू, गुस्ल करके नमाज रोजा शुरू। हालांकि इसकी ज्यादा से ज्यादा हद क्या थी? ऊंची बोले 10 दिन। अब आदत थी 5 दिनों पर, यहां मुसलमानों में मसला ठीक है, यहां कोई गलत बात नहीं है, यह ठीक अमल होता है। किसी की 6 दिन आदत थी, 6 दिन उसने गुस्ल कर लिया, किसी की 7 दिन आदत थी तो 7वें दिन जैसे ही वो आदत खत्म हुआ क्या कर लिया? ये आदत बिल्कुल ऐन शरीयत है। मैं इसी से वो समझाना चाहता हूं कि यहां आदत के अंदर यानी कोई मुद्दत से पहले खत्म हो जाए तो गुस्ल कर लिया जाता है, और बच्चे की विलादत के बाद जो आर्जा लायक होता है उसकी कोई मुद्दत कितने दिन है? ये आखिरी आदत है, यानी ये मैक्सिमम की बात है, शरीयत मिनिमम इससे है ही, मिनिमम तो उस आर्जे में है ही नहीं कि कम से कम क्या 1 घंटा होगा, 2 घंटे होंगे, 3, कोई शरीयत ने इसको डिसाइड नहीं किया। इतना कहा कि विलादत के बाद 40 दिनों के अंदर अंदर जिस वक्त भी वो आर्जा जाता है औरत पे फर्ज अहम है कि वो फौरन गुस्ल करे, नमाज भी पढ़े, अगर रमजान शरीफ है तो रोजा भी रखे, अगर रमजान शरीफ है तो रोजा। अब आपको समझ आ गया होगा कि मुसलमानों में ये कितनी गलत रस्म रिवाज है कि बच्चा पैदा हुआ 40 दिन के बाद ही जनाब इसमें गुस्ल करना है, भले वो 10 दिनों के बाद ही आर्जा जाता रहे, भले वो आर्जा कोई फर्ज नहीं है कि 40 दिन ही हर औरत को ये आर्जा लायक हो, क्योंकि कुल मुद्दत तो बहुत कम औरतों को लायक होती है, अक्सर को कम मुद्दत के अंदर ही मामला खत्म हो जाता है। अब रोजा भी फर्ज, नमाज भी, और आपको पता है कि जिस बंदे पर गुस्ल फर्ज हो और वो जान बूझ के लेट जाए, रात वाला मामला सुबह तक ये जान बूझ में नहीं आएगा, याद रखे रात 10-11-12 बजे गुस्ल फर्ज हुआ किसी आर्जे की वजह से मार दो औरत पर, तो अब इन्होंने कहा सुबह उठ के नमाज के साथ गुस्ल कर लेंगे तो ये हमारी इस हदीस के अंदर ये जुमले नहीं है, ये मुस्तस्ना है। रसूले मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के अंदर हदीसे मेराज में है फरमाया मैंने मेराज की रात कुछ औरतों को देखा, एक ग्रोह था उनके साथ जिनको अल्लाह पाक जहन्नम में सख्त अजाब दे रहा था, मैंने जिब्रील से पूछा इनका जुर्म क्या है, ये किस जुर्म की वजह से जहन्नम में जा रही है? या रसूलल्लाह ये वो है जिनके गुस्ल फर्ज होने का अर्जा खत्म हो जाता था और ये जान बूझ के कई दिन लेट करके कई घंटे लेट करके गुस्ल किया करती थी, अल्लाह इसी वजह से नाराज हुआ और इन औरतों को अल्लाह ने दो जन्म दिया है। अब और
हम शरीर से कितने दूर हो गए, वहां कितनी शक्ति है, आप किसको भी रहते हैं। एक बैंक को आज ये खत्म हो रहा है, हमने फर्ज कर लिया है 10 दिसंबर को बच्चा या बच्ची की विलादत हुई और उसको 25 दिसंबर को जाके आर्जा खत्म हो गया 15 दिनों के बाद। अब जो मसला लोगों के अंदर लाया जाए कि जी 40वें दिन ही गुस्ल किया जाए, तो बताइए कितने दिनों की नमाजें जानबूझ के कदा की, गुस्ल में रहने 25 दिन, 10 को विलादत हुई, 25 तारीख को आर्जा खत्म, और इन्होंने कहा जी 40 दिन तक जाना है, तो ये आर्जा तो लैक हुआ था फकत 15 दिन, फकत 15 और 40 से 15 निकाले पीछे 25, तो 25 दिनों की जो मुसलमान जान बूझ कर नमाज छोड़ दे, आप खुद इस मसले को बेहतर जानते हैं कितना बड़ा जुर्म है, सही कितने बड़ा जुर्म है। और वो क्यों है, हम शरीयत से दूर, हम किस चीज से दूर हो गए, शरीयत से, शरीयत से दूर है। अब आइए आयत मुबारक की तरफ जाके दो मसले आप समझिए। यसअलूनका अनिल महीद, ए महबूब आपसे हैज वाली औरत के मुताबिक सवाल करने के लिए आए, ए महबूब आपसे हैज वाली औरत के मुताबिक सवाल करने के लिए आए। रसूल कायनात फखर मौजूदात अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में जब कुछ लोग ये सवाल लेकर आए, उस वक्त आयत उतरी, गोया के सवाल को पढ़ेंगे तो आयत का शान नुज़ूल हो जाए। आयत का शान है अन यहूदा कान इला हाजत अल मरात फीहिम लम युवाकिलुहा वला युजामिउहा फिल बुयूत। यहूदियों की आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछी, या रसूलल्लाह जब उनके यहां किसी औरत को ऐसा आर्जा लायक होता है, ऐसा महावारी वाला आर्जा लायक होता है, लम युवा के लूहा, या रसूलल्लाह यहूदी अपनी औरत के बर्तन अलग कर देते हैं, यहूदी अपनी औरत का बिस्तर, उसका खाना पीना अपने से जुदा कर देते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है इस मामले में, हमारे लिए इस मामले में क्या हुक्म है। वलम युजाने उहा, और इन दिनों में वो हुकूम के सोचित की अदानी करते हैं, हमारे लिए या रसूलल्लाह इस्लाम में क्या हुक्म है, क्योंकि ये तो तरीका किन का है। फिर एक मरतबा दोहरा लें, इस तरह आर्जे वाली औरत, खा आर्जा माहवारी का हो या बच्चे की विलादत के बाद का हो, बोल रहे बच्चे की विलादत के बाद, तो यहूदियों की आदत क्या थी, उस औरत का बिस्तर अलग, उस औरत के खाने पीने के बर्तन, गोया के उसके जूते को, उस औरत के इस्तेमाल शुदा बर्तनों को यहूदी नजस और नापाक समझते थे, यहूदी नजस और अगर साहबा कराम ने इस्लाम की रोशनी में आकर करीम से फतवा लेना था, कहलू ने इस्लाम की बार में आ गया, या सुना हमारे लिए क्या हुक्म है, अब हम क्या करें, पहले तो जो होता रहा सो होता रहा, अब तो हर हर मसले में इस्लाम हमारी रहनुमाई कर रहा है, तो इस मसले में भी हमें रहनुमाई इस्लाम की दरकार, मैं आकर करीम ने खामोशी इख्तियार करवाई, तो फौरन जिब्रील अमीन आ गए, फौरन जिब्रील कुरान की याद है, यस अलू ने कहा आपसे आर्जे वाली औरत के मुताबिक सवाल करने के लिए आए हैं साहब, आप दे दीजिए इनको जवाब, कुल हुवा अज़ा, इनको फरमा दे वो तकलीफ दे चीज है, हम हिकमत के साथ तर्जुमा कर रहे हैं, कुल हुवा अज़ा वो कौन सी चीज होती है, तकलीफ दे चीज है, फ़ातज़िलुन निसा फिल मुहीत, अपनी उम्मत के मर्दों और औरतों को बता दीजिए कि इस आर्जे में, खा वो माहवारी का हो या, इसलिए वो मसला बताया था कि इन दोनों का हुक्म शरीयत में जिस जिस चीज को करना है या जिसको नहीं करना वो बराबर है, एक ही है, कोई भी इन दोनों में से आर्जा हो तो फरमाया मालूम अपनी उम्मत को बता दे, फातज़िलुन निसा फिल महीज, इस आर्जे में शौहर खास हुकूक अदा नहीं कर सकता, शौहर खास हुकूक अदा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो हराम का इंतकाम करेगा,
अगर करेगा तो हराम का इर्तिकाब करेगा। वला तक्रबुहुन्न हत्ता यतहुर, उनसे खास रुकू के एतबार से करीब न जाओ, हत्ता यतहुर, हत्ता के वो पाकी के दिनों में आ जाए, हत्ता के वो किन दिनों में आ जाए, वो आर्जा खत्म हो जाए, वो आर्जा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो यहूदियों के अंदर ये बात भी चली गई कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इन दिनों में ये जो दो आर्जे हमने आपको बताए, विलादत के बाद वाला आर्जा या माहवारी वाला जो औरत बालगा भी हो गए, तो यहूदियों को पता चला कि मुसलमान के नबी ने इनको इजाजत दी है उस औरत के साथ खाने की, इन आर्जे के दिनों में उस औरत के साथ शौहर को खाने की इजाजत दे दी, उसके साथ बैठ के पीने की इजाजत दे दी, एक ही बिस्तर पे दोनों को सोने की इजाजत दे दी, और उसके झूठे को पाक होने का फतवा दे दिया। इस आर्जे वाली औरत के झूठे को पाक होने का सही मुस्लिम में हदीस मौजूद, सैयदा तैयबा आमिला कामिला सालिहा अफीफा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अलैहिम सलाम फरमाती है, जब मैं इस आर्जे वाले दिनों में हूं, माहवारी की बात की, जब मुझे माहवारी वाला आर्जा लायक होता तो मेरे आका करीम का मेरे साथ क्या सलूक होता। फरमाती, मैं जिस बर्तन में पानी लेके पी रही होती, जिस बर्तन में पानी लेके पी रही होती, मेरे आका करीम मुझसे वो बर्तन ले लेते, मुझसे वो बर्तन, जिस जगह बर्तन पे मैंने मुंह लगा के पानी पिया होता, मेरे आका करीम अपना नूरानी, अपने नूरानी होंठ उसी जगह रख के उसी मेरे बच्चे हुए पानी को आप नोश फरमा लेते हैं। और फरमाती हैं अम्मी जान, क्योंकि मुसलमानों की मेरे आका करीम की हर मेरी मां है, हमारी अम्मी जान ने फरमाया कि जिस दिन मैं इस तरह के आर्जे में होती और हमारे घर में गोश्त पकता, हमारे घर में क्या पकता, तो मैं जिस बोटी को उठाती अपने खाने की घर से, मैं कुछ खा लेती तो मेरे आका करीम मुझसे वही ले लेती। ये है शौहर बीवी का प्यार, ये है मेरे आका करीम की सीरत, ये है आपका किरदार। मुझसे आका करीम वो बोटी जिसको मैं कुछ खा चुकी होती और मैं होती किन दिनों में, माहवारी वाले किन दिनों में, जो महान औरत को माहवारी के दिन आते, और मेरे आका उस बोटी को उसी जगह अपने मुबारक दम से तनावल करवाई जाए। और मेरे आका करीम अपनी एक बीवी को इशारा फरमाया कि मुझे मुसल्ला देना, मैंने नमाज पढ़ी, मुझे मुसल्ला देना मैंने, तो आपकी बीवी ने अर्ज किया, सुबह मैं तो आरसे में गोया, मैं हैज में, गोया मैं किस हालत में हूं, फरमाया हैज तेरे हाथों में तो नहीं, हैज तेरे मुसल्ला उठा दो मैंने नमाज पढ़नी है, मुसल्ला उठा दो मैंने नमाज पढ़नी है। चौथी हदीस, मैं ये हदीसों का मफहूम अर्ज करता जा रहा हूं, मुझे वक्त नहीं है पूरी पूरी हदीस अर्ज की जाए। मेरे आका करीम अलैहि सलातो व तस्लीम सैयद आयशा फरमाती, जब मैं इस आरसे में होती, आका करीम अपना नूरानी सर मेरी गोद में रखते और आप लेट जाते, मेरी गोद में अपना सर अनवर रख के आप लेट जाते और कुरान की तिलावत शुरू करवाते। इस हालत में मेरे आका करीम मेरी गोद में सर अनवर रख कर मुझे क्या सुनाया करते थे, कुरान पाक सुनाया करते थे। अब जब यहूदियों को पता चला कि भाई इस्लाम ने तो इनको उस औरत के साथ खाने की इजाजत दे दी है, उसके झूठे को पाक का फतवा दे दिया है, उसके साथ सोने की इजाजत दे दी है, उस औरत से हर तरह के काम को खाने पीने के मामला में खाना पका भी सकती है, खा वो खत्म का खाना क्यों ना हो, हाँ वो सदका खैरात का खाना क्यों ना हो, इस्लाम ने इनको इजाजत दी है। तो यहूदियों ने फिर कहना शुरू किया क्या, فقال ما يريد هذا الرجل ان يلا من امرنا شيئا الا خالفنا
क्या हो गया है।